हेलो दोस्तों, तभी हम लोग नेपाल में एंट्री कर चुके हैं और अभी इसी में नाश्ता वास्ता करने के लिए रुके हुए हैं। देख सकते हैं आप लोग, आइए आप लोग को दिखाते हैं होटल का व्यू। उधर हमको बैठने दीजिए अमरजीत बाबू। तो यही होटल है, अभी हम लोगों का खाना ऑर्डर हो गया, चिकन और चावल। अभी आ रहा है तो आप लोगों को दिखा रहे हैं चिकन चावल। ये नेपाली खाना आ चुका है यहाँ पे, चावल घी दही एकदम, यही है थाली, नेपाली थाली। हेलो दोस्तों, हमें सुबह के 6 बज रहे हैं और हम लोग रात में इसी होटल में रुके हैं। तो यहाँ से हम लोग निकलेंगे काठमांडू की, और यहाँ से काठमांडू लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है। फिर काठमांडू घूमने के बाद हम लोग पोखरा के तरफ बढ़ेंगे, यहीं पे बगल में कमांडेंट ऑफिस भी है। देखिए बगल में सेना का ऑफिस, पूरा ट्रेनिंग चल रहा है। हम लोग अभी फ्रेश होके रूम चेकआउट कर चुके हैं और यहाँ से अभी निकल गए हैं। चाय बना देना आंटी। नागरिकता ले लीजिए। ये मौसम सुहाना लगे, जिंदगी। ये देखिए रसन भाई बियर के आगे खड़ा हो गया, नशेड़ी आदमी है ये। पार्ले जी खिया के कोनो मारले जी। नेपाल में हम लोग पार्ले जी का आनंद ले रहे हैं अभी। यहाँ कुछ खाने पीने का है नहीं, सिर्फ पीने का जो हम लोग पीते होते हैं तो है नहीं। यहाँ चाय पियेंगे और यहाँ से निकलेंगे पार्ले जी चाय खा के आराम से निकलेंगे। सिम नहीं मिलेगा हो? मोबाइल दुकान से सिम नहीं मिलेगा? मोबाइल हाँ, बच्ची पैबू नहीं खिया के चोट से। अरे पार्ले जी खिया के रंग मार। यहाँ पे हम लोग अभी सिम लेने आए हैं, अमरजीत भाई के नाम पे सिम लेंगे। अभी देख लेंगे ना जो सिम है कि नहीं। मैं तो यही छोटके सिम ना हो रहे हैं। हाँ अच्छा, पिन दीजिए ना। पहाड़ हो रही तो ज़्यादातर एनटी से ही काम करते हैं। पिन दीजिए ना, पिन सिम इजेक्टर, सिम इजेक्टर एक एक्स्ट्रा है तो देना तुझे। नहीं पे अभी हम लोग सिम लिए हैं, सिम लिए हैं, सिम दिखाया है मुझे तो अब कौन कंपनी का है। दीजिए ना सिम निकाल दे, दीजिए ना। नहीं है इंडियन आर्मी ने तो बोले।